तवक्कल अल्लाह। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं यहाँ भिवंडी बाईपास से, और भिवंडी से निकले हैं और सीधा रुकेगी अब गाड़ी ठाणे में। तो अभी टाइम हो गया है 10:40 है। टोपी उड़ गई बच्चा, इंगने इंगने बच्चा पारी पोवे लगले। हाँ अलग पारीपो अभी सबसे बड़ा मसला यहाँ पार्किंग का, कहाँ पार्क करेंगे बाइक। यहाँ बीचों बीच में लगाऊंगा तो उठा लेंगे। ये तो गाड़ी लगी है लेकिन यहाँ से गाड़ी उड़ जाती है। इधर लगाए और बात है पूरा एक घंटे की। मैं पार्किंग करके आ रहा हूँ ना ओजिल लड़के का। इसमें कंप्लेन है, एक्सीलेटर कम ही नहीं होता है। मतलब जैसे ही रोको ना तो बढ़ते आता है। देखो बढ़ रहा है आरपीएम, देखो ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। देख रहे हो एक्सीलेटर कम है फिर भी देखो कम ही नहीं हो रहा है। और ये कंप्लेन है कार्बोरेटर का। अब इतना साल हो गया कार्बोरेटर यूज़ किए, अब इसका काम ख़त्म हो चुका है। अभी मेरे को चेंज करना पड़ेगा। जब चेंज होगा तभी एक्सीलेटर का मसला ख़त्म होगा। अब इसको मैं पार्किंग कहाँ लगाऊँ साला। एक तो इतना हीट हो जाता ना इसकी वजह से। मेन मसला यहाँ का यही है पार्किंग। अब क्या ले गया इसको, उसको ढालूँ। सर इधर कहीं पार्किंग है क्या? ये अंदर। अच्छा ये लो पकड़ लिए इसको, गया। हेलमेट नहीं पहना ताकि इस पर लगा तो दूंगा लेकिन मानेंगे नहीं लोग। पार्किंग अरे लगाने दो ना, खाली एक घंटा लगाऊंगे चले आऊंगा। खाली क्या है 12 बजे चले आऊंगा। अरे पैसा ले लो ना चाचा। काका ले लो ना, पार्किंग आगे नहीं भाई। एक घंटे का सवाल है बस, कहीं और क्या है, गाड़ी उठा लेंगे। मसला ये मुन्ना होता ना, मुन्ना चला मानी नहीं रहे। खाली एक घंटा, खाली 12 बजे चले जाऊंगा। खाली तो एक घंटे के बाद 12 बजे आओगे पर नहीं है जगह। अरे ऑफिस का गाड़ी ऑफिस है इधर भाई। एक खाली वो देखो ना छोटा सा गाड़ी है वो उधर। ए मुन्ना ले लो जो कुछ ले लो, 50-60 रुपए ले लो। खाली लगा के साथ तिकड़े दाना गाड़ी साथ तिकड़े ना लाओ। ओ गाड़ी लाओ ना का रे बाप को ही सबको बराबर है। भूल गया था ना तो मेरे को वीडियो दिखाना पड़ता, फिर वीडियो निकाल लिया था मैं। जी अरे लेटर अंडे बैकली ना
ഓട്ടോമാറ്റിക് जी का बहुत नाटक हो रहा है। जी को बैठना आगे और इसको भी बैठना आगे। ये भी पीछे से बैठेगा और जी भी पीछे से बैठेगी। इसके लिए छोड़ के आ गया इसको मैं। और दोनों का इतना नाटक है ना, इसको इसको भी समझाना मुश्किल है, उसको भी समझाना मुश्किल है। बैठ ली बैठ ली ना दीदी, रुक जा मैं क्या दीदी बैठ लिख जा हल्लो क्यों ना आ जा चल तू ही बैठ आगे। അവനോട് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് മാറി തന്നിക്കണേ, ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് ഓനെ എനിക്ക് മാറി തന്നിക്ക. ഓനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജീ വരണില്ല, അപ്പൊ ഓനെ ഇറങ്ങിത്തന്നു. വണ്ടി ബൈപാസ് ഓർക്കോ ഭീമ ഖത്തം കത്താ ഹൂ.